हमारे पास है गाजीला गाजीज इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट इसने ये ला दिया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपने क्या फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फाइंड करनी है इसने ला दिया है इसको क्या कहते हैं गाजीज ला और ये ला वैलिड होता है सिर्फ किस सरफेस के ऊपर हमने कल एक फार्मूला कैलकुलेट किया था फ्लक्स का क्या कि किसी भी क्लोज सरफेस में जब कोई चार्ज इनक्लोज होता है तो 1 / एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज जो उसके अंदर इनक्लोज है गाजीज आके फर्दर अमेंडमेंट कर दी उसने कहा कि आपके पास जो भी चार्ज इनक्लोज होता है वो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है एक तो वो मीडियम कैसा है और दूसरी बात उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा उसने भी इस बात को साबित किया उसने एक इररेगुलर सी शेप ली और उसके अंदर उसने चार्जेस को इनक्लोज किया क्यू वन से लेकर कहा था क्यू एन तक ठीक है और उसने फिर हर एक का सेपरेट सेपरेट क्या निकाला फ्लक्स का क्या कैलकुलेट किया फ्लक्स अब क्योंकि मीडियम क्या है सेम इररेगुलर है तो सब के लिए चाहे क्यू वन है चाहे क्यू एन है उस पे मीडियम क्या है एप्सिलॉन उनके साथ आपको 1, 2, 3, 4 लगाने की जरूरत नहीं तो फर्स्ट चार्ज की वैल्यू जो फ्लक्स है तो वो किसके बराबर आ जाएगा 1 / एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू 1 फिर 1 / एप्सिलॉन नॉट क्यू 2 1 / एप्सिलॉन नॉट क्यू 3 और सो ऑन 1 / एप्सिलॉन नॉट क्यू एन सब इक्वेशन को क्या किया ऐड तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया उनके हमें क्या उसकी वैल्यू सब में से कॉमन क्या आ रहा है मान लो एप्सिलॉन नॉट पर हमारे पास क्या बच गया q1 q2 q3 so on q ये क्या है टोटल चार्ज को कितने शो कर दिया हमें फिर इस रिजल्ट से क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर वो किस पे डिपेंड कर रहा है मीडियम पे और जो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है मैंने तो बात कुछ और की मैंने कहा है गाजीज लॉ फाइंड करता है किसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा सा इसका इनडायरेक्टेशन पढ़ते हैं देखते हैं गाजीज ने बताया किसके बारे में फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं फ्लक्स किसके बराबर होता है दोनों का मतलब क्या है हमने गाजीज लॉ को इस्तेमाल करते हुए क्या फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब इसके लिए किसी भी जगह पर क्लोज सरफेस के अंदर अगर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसका कुछ प्रोसीजर है गाजीज ने जो लिया उसके कुछ स्टेप्स हैं स्टेप में सबसे पहली चीज आती है गाजीज सरफेस क्या आती है गाजीज सरफेस अब ये एक इमेजिनरी सरफेस है उसने कहा कि जिस जगह पर आपने क्या फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर आपको एक इमेजिनरी सरफेस क्या करनी होगी ड्रा करनी होगी और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड अब जो तीन एप्लीकेशन हमारे चैप्टर के अंदर है उसमें तीनों टॉपिक के अंदर हमने क्या फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब तीन एप्लीकेशन कौन कौन सी है एक है होलो चार्ज स्फीयर की उसके अंदर जो गाजीज सरफेस ड्रा है वो जो शेप है उसकी उन्होंने पहले से ही डिफाइन करके रखी हुई इसलिए हमें खुद से कोई भी शेप बनाने की जरूरत नहीं है जो दूसरी है हमारे पास इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज उसके अंदर भी जो गाजीज सरफेस है वो भी उन्होंने क्या रखी हुई पहले से बनाकर रखी हुई तीसरी कौन सी है ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेस उनके अंदर भी क्या ड्रा कर रखी है गाजीज सरफेस तो याद रखिए गाजीज लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या ड्रा करनी है इमेजिनरी सरफेस जिसका नाम क्या है गाजीज सरफेस ये हम उसकी डेफिनेशन एंड इमेजिनरी सरफेस यूजेस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट मैंने पहली एप्लीकेशन भी लिख दी है पहली एप्लीकेशन कौन सी है होलो चार्ज स्फीयर स्फीयर जो अंदर से क्या हो खाली होलो का मतलब क्या होता है और चार्ज का मतलब क्या है कि उस स्फीयर के ऊपर चार्ज है जिस तरह फुटबॉल है फुटबॉल के ऊपर आपने क्या रख दिया सारे का सारा चार्ज लेकिन अंदर से क्या बिल्कुल खाली अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट करनी है उसके सेंटर में ये पी वो पॉइंट है जहां हमने क्या पॉइंट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताया अभी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पे क्या ड्रा करेंगे इमेजिनरी सरफेस इसका नाम क्या है गाजीज सरफेस
अब गाजियन सरफेस हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कंसीडर हॉलो चार्ज स्फीयर जिसके ऊपर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करनी है कि इसको कैलकुलेट करने के हमने क्या ड्रा की है गाजियन सरफेस इसका रेडियस क्या है इज दैट क्लियर यस अब हम इस पर क्या लगाएंगे गाजियन किसके बराबर होता है 1 / एप्सिलॉन टोटल चार्ज अब क्या इस गाजियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज जो है इसके अंदर चार्ज क्या है जीरो जहां पर चार्ज जीरो हो गया वहां पे फ्लक्स क्या हो गया जीरो अब हमने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा हुआ कि ए डॉट ए तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम राइट हैंड साइड क्या होगी तो ई डॉट ए क्या हो गया जीरो अब बताएं क्या इस सरफेस का एरिया जीरो है एरिया तो इसका जीरो अब अगर दो वेरिएबल दो और उनका रिजल्ट क्या आ जाए जीरो उसका मतलब होता है उनमें से कोई एक क्या है जीरो या दोनों क्या है जीरो तभी रिजल्ट जीरो आ सकता है ना ए तो जीरो है नहीं तो फिर जीरो क्या चीज हुई इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जीरो वैसे भी ओवरऑल अगर जनरल बात करें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां हो सकती है जहां पर क्या मौजूद हो चार्ज इंटेंसिटी किसकी वजह से होती है यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद है तो आप इस तरह इस एप्लीकेशन को याद रख सकते हैं कि अगर होलो चार्ज स्फीयर है उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है वहां पर इंटेंसिटी क्या है जीरो लेकिन हमें उसके प्रोसीजर सॉल्व करना है और उस लॉ किस लॉ को सॉल्व करना है आप एज इट इज नहीं बता सकते आपकी बुक का पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही है उसने कहा हुआ है कि ये हमारे पास बलून है बोलो इसको क्या